Hi guys, welcome to MH Law CET 3 years 2023 preparation video, and in this video we'll talk about how to prepare for your entrance along with your graduation board. So जितने लोगों का graduation का board है, TY final year of examination है और CET के साथ साथ दोनों exam को preparation करना है, तो ये video में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन कर सकते हैं, कैसे preparation को manage कर सकते हैं, ठीक है. So सबसे पहले तो comment में बताओ कि आपको problem क्या क्या आ रही है when you are preparing for the CET along with your board examination. Although I will be addressing major stuff in this video, but if you think कि कुछ और चीज़ें cover करने की ज़रूरत है तो comment में लिख दो, next video मेरा उस topic को लेके रहेगा, ठीक है. Now अपने पास so before we proceed थोड़ा सा basic समझ लेते 3 years exam को लेके. Competition 80,000 के आसपास है, 75 to 80,000. सीट जो है जी एल सी, आई एल एस पुणे एंड देर आर सम ऑफ द अदर कॉलेजेस ऑल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ सी टी. ओके, मेन हर्डल जो इस साल होगा वो दो चीज़, एक तो कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा, दूसरा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी अगर आई बी पी एस आई पिक्चर में, तो फिर अपने लिए पेपर थोड़ा सा 2019 का पैटर्न फॉलो करेंगे. सो फार कोई अपडेट नहीं आया हुआ है कौन पेपर कंडक्ट करेगा, तो अभी उसको साइड में रखते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कैसे बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे, उस पर बात करते हैं, ठीक है. सो डेली क्या क्या करना है आपको, वीकेंड बेसिस पे क्या क्या करना है आपको. इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, जितनी पढ़ाई हुई है कितना मुझे आता है ये बहुत ज़रूरी है, और ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर आई प्रोसीड, जीएलसी 120 बैच 3 years लॉ को लेके एट मेनूअर वी हैव लॉन्च. सो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, वॉन्ट टू ज्वाइन बैचेस क्लासरूम, अगर आप मुंबई बेस हो या तो फिर मुंबई बेस नहीं हो तो लाइव क्लास ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्लेस नंबर पे कॉल कर लो, बोरीवली दादर वसई के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, ठीक है, फॉर द कोचिंग पार्ट. और अगर बुक्स वगैरह आपके पास नहीं है तो बुक्स लगेगी भाई प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सेट ऑफ 4 बुक्स यू विल बी गेटिंग, जीके, इंग्लिश, लॉजिक एंड योर लीगल पार्ट, ठीक है. सो इस बुक में 50-50 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है. अब आता है डेली क्या करना है एंड वीकेंड बेसिस पे क्या करना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो इंग्लिश, सबसे पहले सेक्शन देख लेते हैं, ये दो जो है ये गेम चेंजर होने वाले एग्ज़ाम में. 50 क्वेश्चन यहाँ से, 50 मार्क्स के लिए 40 यहाँ पे, ओवरऑल अपना 150 मार्क्स का पेपर होगा. 90 तो क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाला, ये दो सेक्शन से, मतलब 3/5 जो पेपर का है वो ये दो सेक्शन कवर करेगा. और लॉजिक एंड लीगल, इसको मैं बाद के लिए एडवाइस करूँगा और कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है. सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ पेपर विदाउट फेल ये करना ही करना है. न्यूज़ पेपर मैंने एडवाइस किया हुआ है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, यही दो चीज़ करनी है अपने को, ठीक है. ये आपका पेपर है द हिंदू का, ठीक है. सो पेज 6 एंड जो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है, ठीक है ना, जैसे कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू द एनजैक, ठीक है, ये अभी पुराना पेपर है तो उसको लेकर के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर ली. बाकी जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि जैसे कहीं पे लोकल न्यूज़ है तो वो चीज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है. बट कोई स्कीम लॉन्च हुई है या तो कोई पॉलिसीज़ आई है, ठीक है, या कोई अपॉइंटमेंट है या अवार्ड को लेके है, तो वो न्यूज़ अपने लिए है. उसके बाद पेज नंबर 6 पे अपने को गो थ्रू करना है, ठीक है, दैट इज़ द एडिटोरियल पेज. ओके, तो न्यूज़पेपर हो गया अपना. ग्रामर एंड वर्ड पावर मेड इजी, ये तो आपको करना ही करना है, ये तीन काम अपने को करना है. एक घंटा ये लेगा, 30 मिनट्स ये, मतलब 1.5 आवर आप डेली बेसिस पे डिवोट कर रहे हो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, 1 आवर स्टैटिक, 1 आवर करंट अफेयर्स, जीके, 2 घंटा जीके, बिकॉज 60-70% जनता का स्कोर नहीं आने वाला है जीके में, और उनका प्री प्रिपरेशन भी नहीं होगा, और लास्ट में लोग जागेंगे. अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ होगी बहुत सारे लोगों को, लास्ट में जागेंगे. लास्ट में जागने का प्रॉब्लम ये है कि फुल ऑफ प्रेशर, फुल ऑफ पैनिकनेस, रैंडम प्रिपरेशन विच अल्टीमेटली स्पॉइल योर प्रिपरेशन एंड स्कोर बोथ. सो दिसंबर बहुत, मतलब सही टाइम अगर आप चालू कर रहे हो तो, मतलब ठीक है, डिसेंट टाइम है, लोगों ने तो बहुत पहले से चालू कर दिया, बट दिसंबर एंड चल रहा है, अभी न्यू ईयर आने वाला है, सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम वन शुड स्टार्ट, ठीक है. तो 3 घंटा डेली का, 3.5 आवर डेली बेसिस, बेसिकली मैं ज़्यादा ग्रिल कर रहा हूँ इंग्लिश एंड जीके को लेके, बिकॉज ये लास्ट में प्रिपरेशन करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है. दूसरा, वीकेंड बेसिस पे
वन टॉपिक ऑफ इंग्लिश, वन टॉपिक ऑफ लॉजिक. जब मैंने इसे वीकेंड, सैटरडे एंड संडे मिला लो आप, दो टॉपिक अपने को करने हैं. अगर आपको वीकडे में ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कवर कर लो वीकडे में, और वीकेंड तक ख़त्म कर दो. ये टॉपिक का प्रिपरेशन, आपकी जो बुक है उससे प्रैक्टिस, प्लस टेस्ट उस टॉपिक को लेके. आपके मेनूवर के पोर्टल पे टॉपिक टेस्ट है हर टॉपिक को लेकर के, ठीक है? और हर टॉपिक को लेकर दो दो टेस्ट हैं, 15-15 क्वेश्चन. टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर. टॉपिक टेस्ट लिखोगे, प्रेशर क्रिएट होगा, आपको समझ में आएगा कि यार एक क्वेश्चन मेरा 1 मिनट में भी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है. तो ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली इम्प्रूव करनी होगी. टॉपिक टेस्ट में एक बार बेटर हो गया तो फुल लेंथ मॉक जब लिखोगे तो उसमें अच्छा ही फोड़ोगे आप, ठीक है? सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन, कितना मैंने पढ़ाई की है और मुझे कितना आता है, ये बहुत ज़रूरी है. एंड ओवर कॉन्फिडेंट होके या तो फिर एक कि रैंडमली गेस कर लो, हाँ मैंने पढ़ लिया मुझे आता है, ऐसा नहीं. टेस्ट लिख के अंडरस्टैंड कि मेरा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है उस टॉपिक को लेके. बेसिकली आपका प्रोग्रेस ट्रैक करना है आपको हर सेक्शन को लेकर के, चाहे वो आपका लॉजिक है, चाहे आपका वो इंग्लिश है, चाहे जीके है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दोज आर महाराष्ट्र बेस्ड, मोस्टली आपका एग्जाम जो ग्रेजुएशन का होता है वो अप्रैल मंथ इज़ द आइडियल टाइम, बिकॉज मार्च एंड के अराउंड, सेकेंड वीक ऑफ मार्च, थर्ड वीक ऑफ मार्च के आसपास 12 बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है, देन स्टार्ट योर ग्रेजुएशन बोर्ड. तो अप्रैल में पकड़ रहा हूँ कि वो टाइम होगा जब आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप फोकस रहोगे. तो अभी दिसंबर अबाउट टू एंड है, जैन और फैब ये 2 महीना जो है फोड़ के पढ़ाई करो, मतलब मेजर चंक्स ऑफ योर इंग्लिश हैज़ टू बी फिनिश, जीके में मेजर वर्कआउट, लॉजिक में देखो ट्रेडिशनल लॉजिक अपने अभी प्रैक्टिस कर लो, बाकी एनालिटिकल के लिए लास्ट में करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले, बिकॉज वो टॉपिक ही ऐसा है, आपको 1-1.5 महीना पहले वो टॉपिक प्रैक्टिस करने वाला टाइप है. बाकी लीगल मोस्ट के लिए डोंट नीड टू वरी, बिकॉज लेक्चर के साथ साथ वो आपका पूरा कवर हो जाएगा. तो लीगल के लिए ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वो आप एनी वे अच्छा प्रिपरेशन भी हो जाएगा, अच्छा स्कोर वहाँ पे आ जाएगा, उसको लेके मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं. मुझे टेंशन है दो सेक्शन को लेके, जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है सीटी को लेके, इंग्लिश और जीके में जनता का स्कोर नहीं आता है एंड दे लूज देयर मार्क्स. सो आई डोंट वॉन्ट दिस हैपन विथ यू पीपल, ठीक है? और ये मैं हर वीडियोज़ में बोलते रहता हूँ, इंग्लिश और जीके में स्कोर नहीं आता. अगर यहाँ पे आपने फोड़ लिया तो बाकी जगह की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो. अगर आपने मेनूअर का लाइव क्लास है तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, या तो फिर आपका इंट्रैक्शन मेरे साथ हुआ है लाइव क्लास में तो क्लासरूम है, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हाँ ये चीज़ पर फोकस करो, बिकॉज कंप्लीट जिस्ट यू कैन से और द आइडिया नाउ वी हैव गॉट विथ रिगार्ड्स टू द सी ई टी एग्जामिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सी ई टी, ठीक है? सो दोज हु हैव नॉट येट स्टार्टेड, तो क्लासरूम ऑन लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, ओके? ऑनलाइन एंड क्लासरूम के लिए बोरीवली दादर यूनिवर्सिटी यू कैन विजिट इफ यू आर मुंबई बेस. एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर बोर्ड प्रिपरेशन एंड देयर सी ई टी प्रिपरेशन. आपको डेली बेसिस पे 3 घंटे निकालने हैं और बाकी का टाइम आप बोर्ड पर फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बोर्ड में भी अपना अच्छा स्कोर आए ये कोशिश में रहो. आइडली जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज को लेके वो मीट होना चाहिए, बट अगर आप अच्छा कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में गो फॉर इट. बट एंट्रेंस के थ्रू ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ. सीटी में जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना अच्छा कॉलेज, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे या जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डील विद दी बोथ दी एग्जामिनेशन. Still, if you have any doubt and query, you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. And all the information with regards to the books, self-study program, online class, live class, and classroom coaching ko leke, all the information I have mentioned in the description, do check the description. All the very best. Thank you.